Hello everyone, I am Pankaj, your Beyond Exams instructor, and let's get started. So in the last video, हम लोगों ने थोड़ा सा स्लाइड शो का कोड ऐड किया था अपने पूरे कोड बेस में. दिखना चाहिए था तो बड़ा प्यारा सा. लेट मी शो यू कि कैसा दिखना चाहिए था. इफ़ यू आर फॉरगॉटन, आप GitLab पे जाके देख भी सकते हैं मेरे कोड बेस में, और W3 Schools पे भी दिखा हुआ है. ऐसे W3 Schools पे चले जाते हैं, W3Schools.com/how-to. ऐसा दिखना चाहिए था, प्यारा सा एकदम स्लाइड शो. चार फोटोज़ आपकी दिखे हैं यहाँ पे, ये डॉट 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 है, बट दिख रहा था तीन डॉट डॉट डॉट्स के साथ ऐसा, राइट. और ये कोड फट रहा था तो हम लोगों ने स्लाइड्स यहाँ पे देखा, कंसोल पे एरर आ रही है, स्लाइड्स यहाँ पे एरर आई थी जावास्क्रिप्ट में कुछ. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अब हम लोग जावास्क्रिप्ट का कोड समझें सो दैट ये एरर हम लोग रिजॉल्व कर सकें. उसके लिए विल गो बैक टू W3Schools एंड यहाँ पे सर्च करेंगे जावास्क्रिप्ट. तो W3Schools के जावास्क्रिप्ट के भी ट्यूटोरियल्स बहुत ही प्यारे हैं. एक एक करके हम लोग जितना ज़रूरत पड़ेगी, इस थोड़ी सी ये लंबी वीडियो होगी एंड इसमें एक्सप्लेन कर देंगे. आई वुड सजेस्ट इस वीडियो पे आप डिपेंड मत रहो, बिकॉज ज़्यादातर चीज़ें हम लोग बहुत फास्ट फॉरवर्ड करके देखेंगे. प्लीज़ गो हैड, यहाँ पे एक एक करके आप स्टेप बाई स्टेप, जहाँ तक हम लोग वीडियो में कवर कर रहे हैं वहाँ तक आप जावास्क्रिप्ट W3Schools से भी पढ़ लो. यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे लास्ट में क्विजेज भी होते हैं कुछ कुछ में. तो कमेंट्स में है क्या क्विज? यहाँ पे तो नहीं है, बट ये ट्राई इट योरसेल्फ वाली चीज़ें हैं. आई वुड रियली सजेस्ट कि इसको आप ट्राई कर लीजिए, एंड जहाँ पे भी क्विज आए उस क्विज को भी आप करते रहिए. ये रहा जैसे क्विज है, राइट. तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा जावास्क्रिप्ट, एंड जावास्क्रिप्ट इज़ गोना बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दीज थ्री मंथ्स एट बियॉन्ड एग्जाम्स. प्लस जो आपको पेड इंटर्नशिप मिलेगी वहाँ पे भी जितने भी फ्यूचर के फ्रेमवर्क्स होंगे, रिएक्ट, नोड या जैसे भी, सब जावास्क्रिप्ट, ज़्यादातर जावास्क्रिप्ट बेस्ड हैं. तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको जावास्क्रिप्ट का कोड आता हो. सो तो लेट्स क्विकली मूव अहेड. W3Schools पे जावास्क्रिप्ट का होम है. दे आर एक्सप्लेनिंग कि क्या कैसे जावास्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हैं. एग्जाम्पल्स दे रहे हैं जैसे कि इस क्लिक मी टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम, बटन पे क्लिक किया यहाँ पे डेट टाइम आ गई. ये जावास्क्रिप्ट से करते हैं और कैसे पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है. नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, जावास्क्रिप्ट से क्या क्या कर सकते हैं. एक तो बटन क्लिक करो तो टेक्स्ट आ जाए, फिर से रिफ्रेश करके दिखा देते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट. कैसे HTML कंटेंट चेंज करते हैं, बटन क्लिक किया यहाँ पे, हेलो जो टेक्स्ट लिखा था वो चेंज हो गया, हेलो जावास्क्रिप्ट बन गया. ग्रेट, काफ़ी कूल चीज़ है. दूसरा, जावास्क्रिप्ट एक्सेप्ट बोथ डबल एंड सिंगल कोट्स, ठीक है. अभी देखते हैं क्या है. और जावास्क्रिप्ट में और क्या कर सकते हैं, जैसे ये बल्ब है ये ऑफ़ है, बटन पे क्लिक किया बल्ब ऑन हो गया, बटन टर्न ऑफ करने के लिए बोल दिया तो ऑफ हो गया. तो ये सब चीज़ें जावास्क्रिप्ट से ही हो रही हैं. HTML का CSS भी चेंज कर सकता है. कैसे? जावास्क्रिप्ट से HTML का CSS भी चेंज कर सकते हैं. क्लिक किया, ओ वाओ ये बड़ा हो गया. फिर से देखो आप, इसका फॉन्ट छोटा था. फॉन्ट साइज़ CSS की प्रॉपर्टी होती है, आई होप आप लोग ने देखा होगा जब CSS में कमेंट्स कर रहे होंगे. क्लिक किया, फॉन्ट साइज़ बड़ा हो गया, इट्स जावास्क्रिप्ट. HTML एलिमेंट्स को हाइड भी कर सकता है, जैसे कि ओके यहाँ पे लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट कैन हाइड HTML एलिमेंट्स. ये टेक्स्ट पूरा क्लिक में किया, हाइड हो गया, वेरी नाइस. HTML एलिमेंट्स शो कर सकता है, क्लिक किया एक नया HTML एलिमेंट आ गया, मेक सेंस. बहुत ही कूल कूल चीज़. तो फेक बेसिकली जितनी भी रियल टाइम में फंक्शनैलिटीज़ हो रही होती हैं वो जावास्क्रिप्ट कर रहा होता है. वेयर टू, कहाँ कहाँ डाल सकते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड को. एक तो अभी हम लोगों ने खुद ही देखा हुआ है कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर जाता है जावास्क्रिप्ट का कोड, जो हम लोगों ने कॉपी पेस्ट भी कर रखा है. तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर जितना कोड होता है वो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है. जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस होते हैं और इवेंट्स होते हैं. फंक्शंस क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लॉक ऑफ जावास्क्रिप्ट कोड, ठीक है यार देखते हैं, अभी लेटर चैप्टर्स में पढ़ेंगे. हेड में डाल सकते हैं जावास्क्रिप्ट के कोड को, बिल्कुल. हेड में कैसे डाल सकते हैं, जैसे कि हेड के अंदर एक स्क्रिप्ट टैग बनाया और उसके अंदर स्क्रिप्ट फंक्शन डाल दिया, ये देखो जावास्क्रिप्ट का कोड डाल दिया, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया, जैसे स्टाइल्स करते हैं, हेड में डाल सकते हैं, ठीक है. दूसरा कह रहे हैं बॉडी में डाल सकते हैं, ये मेरी बॉडी है, बॉडी में HTML कंटेंट लिखा, लास्ट में स्क्रिप्ट टैग लिख दिया और उसमें स्क्रिप्ट का कंटेंट डाल दिया. प्लेसिंग स्क्रिप्ट्स एट द बॉटम ऑफ बॉडी एलिमेंट इम्प्रूव्स डिस्प्ले स्पीड. तो एक
आई थिंक सेकेंड या थर्ड वीडियो में बोला था आपसे कि फिगर आउट करो कि स्क्रिप्ट टैग को, जावास्क्रिप्ट के कोड को हेड में डालें या बॉडी में सबसे नीचे डालें। तो ये कह रहा है कि बॉडी में सबसे नीचे डालने का काफ़ी फ़ायदा होता है स्क्रिप्ट टैग को। कैसे? पहला तो डिस्प्ले स्पीड फास्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक तरह से एक चीज़ ये समझने वाली है कि कोड जो है वो लाइन बाय लाइन चलता है, ठीक है? तो आपके ब्राउज़र ने ये कोड खोला तो उसने पहली लाइन पढ़ी, दूसरी लाइन पढ़ी, बॉडी पे आया, बॉडी में उसने डेमो स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट इन बॉडी देखा हेडिंग, तो वो हेडिंग तुरंत डिस्प्ले कर देगा। फिर उसने एक पैराग्राफ देखा, पैराग्राफ डिस्प्ले कर देगा, फिर बटन देखा, बटन डिस्प्ले कर देगा। फाइनली उसे ये जावास्क्रिप्ट का कोड मिला। जावास्क्रिप्ट का कोड फंक्शनैलिटी होती है, राइट? तो फंक्शनैलिटी आपको दिखती नहीं है, जब आप फंक्शनैलिटी हैपन, इट इज़ एन इंसिडेंट दैट हैपन्स जब आप कुछ एक्शन लेते हो, राइट? तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि पहले आपको पूरी पिक्चर पेंट तो हो जाए, जो टेक्स्ट जो है, हेडिंग जो है, पैराग्राफ जो है, वो दिख तो जाए, तब आप उस पर कोई एक्शन लोगे, राइट? तो जावास्क्रिप्ट को सबसे लास्ट में लिखने से फ़ायदा ये होता है कि लाइन बाय लाइन वो पूरा HTML लोड कर देता है, पूरा CSS लोड कर देता है, फिर फंक्शनैलिटी ऐड करता है उस पर। एक तो ये बेनिफिट है। और ये जो जावास्क्रिप्ट होता है वो थोड़ा स्लो भी होता है कंपेयर टू HTML लोड जो ये कह रहा है, तो उससे डिस्प्ले स्लो हो जाता है। समझ लो आप इस कोड को आपने हेड टैग में लिख दिया, जिस तरह यहाँ पे लिखा था, हेड में लिखा था, राइट? तो इससे क्या हुआ, सबसे पहले वो आया है, ये फंक्शन रीड किया, अभी यूज़र वेट कर रहा है, कंप्यूटर ने इस फंक्शन को रीड किया, अच्छा ठीक है ये फंक्शन कुछ कुछ तो कर रहा है, जब यूज़ होगा तब देखूंगा मैं, फिर नीचे गया, फिर हेडिंग पे गया। अब सोचो ये 2 लाइन का कोड है जावास्क्रिप्ट का, अगर 100 लाइन का जावास्क्रिप्ट कोड होगा तो 100 ऑपरेशंस तक रुका रहेगा कंप्यूटर, उसको पूरा इंटरप्रेट करेगा, फिर यूज़र को UI दिखाएगा, राइट? तो वो थोड़ा स्लो हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। एक तो हो गया स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं, दूसरा हो गया एक्सटर्नल फाइल में, जिस तरह हम लोगों ने index.js में किया है वैसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब एक्सटर्नल फाइल में लिखते हैं तो ये चीज़ आपने देखी थी कि HTML में रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी पड़ती है, कि जो स्क्रिप्ट है मेरी जावास्क्रिप्ट वो MyScript.js में भी पड़ी हुई है, index.js में भी पड़ी हुई है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ किया था, कहीं तो किया था, ये रहा है ना, index.js को रेफरेंस किया था कि भाई यहाँ पे भी जावास्क्रिप्ट है, रीड कर लेना, ठीक है, कैन नॉट कंटेन स्क्रिप्ट टैग्स, ठीक है। ये वही कह रहा है कि स्क्रिप्ट टैग जो है वो जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं हो सकता, जैसे index.js है, यहाँ पे आप स्क्रिप्ट टैग नहीं डाल सकते, जिस तरह स्टाइल के लिए भी हम लोगों ने बताया था। क्यों? क्योंकि ये HTML का सिंटेक्स है, जावास्क्रिप्ट का नहीं। तो अगर सिंटेक्स यहाँ पे देखो, फाइल का एक्सटेंशन क्या है, .js, यानी ये जावास्क्रिप्ट फाइल है, ये सिर्फ जावास्क्रिप्ट कोड रीड करेगी। अगर आपको स्क्रिप्ट टैग डालना है तो जावास्क्रिप्ट में डालो आप, जैसे ये पड़ा हुआ है, तो एरर नहीं आएगी। एक्सटर्नल रेफरेंसेस आप किसी URL से भी लोड कर सकते हैं, जिस तरह SRC में यहाँ पे आपने क्या रख रखा है, index.js फाइल, वैसे आप एक्सटर्नल JS किसी URL से भी लोड कर सकते हैं, जैसे कि फॉन्ट ऑसम की ये CSS डाउनलोड की है आपने, वैसे JS भी होती है फाइल्स, देखते हैं उसको बाद में। दैट्स इट यार, जावास्क्रिप्ट का आउटपुट कहाँ कहाँ डिस्प्ले कर सकते हैं, बिकॉज जावास्क्रिप्ट फंक्शनैलिटीज़ करता है, तो जैसे बटन क्लिक किया तो कहाँ कहाँ बटन क्लिक पे जो चीज़ हो रही है उसका आउटपुट आप दिखा सकते हो, बहुत सारी जगहों पे दिखा सकते हैं, इनर HTML, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, विंडो डॉट अलर्ट, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। इसको आप चारों यहाँ से प्रैक्टिस करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत कूल कूल चीज़ें हैं यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, इस पे वापस आएंगे हम लोग, बट प्लीज़ डोंट स्किप इट जस्ट बिकॉज हम स्किप कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ गो ओवर इट, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वो चीज़ें आपको कवर करनी है। जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स, अब यहाँ से रियल कोडिंग वाले कॉन्सेप्ट शुरू होते हैं जो सारे लैंग्वेज में सिमिलर होते हैं। स्टेटमेंट्स हर लैंग्वेज में होते हैं, वेरिएबल्स हर लैंग्वेज में होते हैं, ऑपरेटर्स हर लैंग्वेज में होते हैं, तो जावास्क्रिप्ट एक फुल कंप्लीट लैंग्वेज है, अनलाइक HTML। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वो मार्कअप लैंग्वेज है। उसका मतलब क्या है आपको अभी बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, फुल फॉर्म ना पता हो तो याद रखिएगा, HTML इज़ हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट इज़ अ कम्प्लीट लैंग्वेज जहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं, कमेंट्स होता है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, फंक्शनलिटीज़ होती हैं, हर चीज़ होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक एक करके चलते हैं। तो यहाँ से आप अगर किसी भी एक लैंग्वेज में आपको कोडिंग आती है तो ये सब चीज़ें आपके लिए ईजी होंगी, अगर ये आपका फर्स्ट टाइम है तो आपके लिए और इंपॉर्टेंट है कि आप ये जावास्क्रिप्ट की चीज़ें कंप्लीट करिए खुद से,
इट विल बी वेरी हेल्पफुल. फर्स्ट इज जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स. एवरी लाइन देख लेते हैं क्या कह रहा है ये. प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस. अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर. अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिस प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड स्टेटमेंट. एवरी इंस्ट्रक्शन इज अ स्टेटमेंट. ठीक है. तो इन HTML जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम्स आर एग्जीक्यूटेड बाय द वेब ब्राउजर. जो JS का कोड होता है वो वेब ब्राउजर तुम्हारा एग्जीक्यूट कर रहा होता है. कुछ तो कह रहा है. जावास्क्रिप्ट स्टेटमेंट्स आर कंपोज्ड ऑफ वैल्यू ऑपरेटर एक्सप्रेशन कीवर्ड्स कमेंट्स. पांच चीज़ें कहा. वैल्यू ऑपरेटर एक्सप्रेशन कीवर्ड्स कमेंट्स. ये सब मिला के स्टेटमेंट बनाते हैं. जैसे कि ये एक स्टेटमेंट है. लेट x, y, z सेमी कोलन. x इक्वल टू 5 सेमी कोलन. y इक्वल टू 6 सेमी कोलन. z इक्वल टू x प्लस y सेमी कोलन. ये चारों एक एक स्टेटमेंट्स हैं. क्या करते हैं बताएंगे अभी. ये भी एक स्टेटमेंट है. डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो इनर HTML हेलो डॉली. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो लिखा हुआ है कि दिस टेल्स द ब्राउजर. देखते हैं यार, पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है. सेमी कोलन्स. अगर तुम्हें दो स्टेटमेंट्स को सेपरेट करना है तो सेमी कोलन से करते हो. दिस इज ऑप्शनल इन जावास्क्रिप्ट. तो अगर आप न्यू लाइंस में हर स्टेटमेंट लिख रहे हो तो सेमी कोलन लिखो ना लिखो एक बराबर है. फॉर एग्जांपल, लेट ए कॉमा बी कॉमा सी सेमी कोलन हटा दिया. ए इक्वल टू 5 सेमी कोलन हटा दिया. बी इक्वल टू 6 सेमी कोलन हटा दिया. सी इक्वल टू ए प्लस बी सेमी कोलन हटा दिया. रन किया, कोई एरर नहीं आएगी. कोड एकदम परफेक्ट आपका रन करेगा. सेमी कोलन लगा दिया दो में नहीं लगाया. रन किया, कोई दिक्कत नहीं आई. आउटपुट एग्जैक्टली ऐसे ही आएगा. तो सेमी कोलन सर ऑप्शनल क्यों यूज़ होता है. जैसे कि आपने कहा लेट ए कॉमा बी कॉमा सी सेमी कोलन, यहीं पे लिख दिया ए इक्वल टू 5 सेमी कोलन, बी इक्वल टू 6 सेमी कोलन. तो कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा यहाँ पे असल में चार स्टेटमेंट्स थे जिसको आपने एक ही लाइन में लिख दिया है. कैसे पता चलेगा? सेमी कोलन से. एज सून एज कंप्यूटर हिट्स अ सेमी कोलन, इट विल आइडेंटिफाई कि एक नया स्टेटमेंट इसके बाद शुरू है इस सेमी कोलन तक. ठीक है. तो इट इज़ बेसिकली फॉर दिस पर्पज. अदरवाइज आप सेमी कोलन लगाओ ना लगाओ एक बराबर है, एज लॉन्ग एज यू यूज न्यू लाइन्स. ठीक है. मल्टीपल स्टूडेंट्स ऑन वन लाइन, वही लिखा हुआ है इसने जो हमने कहा. वाइट स्पेस. वाइट स्पेस इग्नोर हो जाता है. तो यहाँ पे जैसे वाइट स्पेस मतलब स्पेस बार. यूजुअली यू कैन ऐड वाइट स्पेस टू स्क्रिप्ट टू मेक इट मोर रीडेबल. ना ना ना, गलत कह रहा है ये. जावास्क्रिप्ट ये कह रहा है कि स्पेसेस यूज़ नहीं होते, बट हर समय नहीं. जैसे कि ये लेट है, एक वर्ड है, इसके बाद स्पेस लिखना होगा आपको, है ना. तो ये आप इग्नोर करो, स्पेस देने की कोशिश करो जब भी ज़रूरत पड़े. बट ठीक है. जावास्क्रिप्ट लाइन लेंथ एंड लाइन ब्रेक्स लाइक टू वर्ड इतना. ठीक है. ये कह रहा है कि नहीं यार अभी अभी इम्पोर्टेंट नहीं है. कोड ब्लॉक्स. ठीक है. तो कोड ब्लॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं. कोड ब्लॉक्स मतलब अगर तुम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक साथ एक ग्रुप में डालना चाहते हो तो ये करली ब्रैकेट्स से डालते हैं. ठीक है. और जो फंक्शंस होते हैं जावास्क्रिप्ट में वो यही काम करते हैं कि एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक नाम दे देते हैं. फॉर एग्जांपल, एक फंक्शन हमने बनाया मेक टी. ठीक है. इसमें इंस्ट्रक्शन क्या डाल दिया, अभी जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स नहीं आता तो ऐसे ही डाल देते हैं. एड वाटर, टेक अ यूटेंसिल, एड वाटर, हीट इट ऑन स्टोव, है ना. ऐसे इंस्ट्रक्शंस डाल दो तो ये एक फंक्शन हो गया. और ये सेट ऑफ स्टेटमेंट्स उस फंक्शन के नाम से रिप्रेजेंट होते हैं. ठीक है. अब क्योंकि ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, ब्लॉक ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे, इसलिए इनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखा गया है. और मेक टी इस पूरे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस का सिंगल नाम है. अगर तुम्हें कभी चाय बनानी होगी तो मेक टी फंक्शन कॉल कर दोगे. ठीक है. आगे जाके और अच्छे समझेंगे. तो यहाँ पे भी माई फंक्शन एक फंक्शन इन्होंने बनाया है. कर्ली ब्रैकेट जहाँ से शुरू हो रहा है वहाँ से ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस चालू हो रहे हैं. जहाँ पे कर्ली ब्रैकेट खत्म हो रहा है वहाँ तक ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इस फंक्शन का पार्ट है. जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट है. जावास जिस तरह HTML में कीवर्ड्स होते थे, जैसे कि HTML एक कीवर्ड है, हेड एक कीवर्ड है. ये कीवर्ड्स कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करता है कि इसका एक स्पेशल मतलब है. हेड का मतलब इसमें मेटा इन्फॉर्मेशन होगी, बॉडी का मतलब इसमें मेन
तुम्हारा कंटेंट होगा। टाइटल का मतलब ये जो टैब के ऊपर लिखा रहता है ये टाइटल इसके अंदर होगा, राइट। तो जावास्क्रिप्ट में भी कुछ बहुत लिमिटेड सेट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं, आई वुड तो सजेस्ट इसको याद कर लो, अदरवाइज जब यूज़ करते रहेंगे तो पता चल जाएगा। जब भी कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो वैर से करते हैं। वेरिएबल मतलब यहाँ पे एक्स वाई जेड ये सब वेरिएबल्स हैं। क्या होते हैं वेरिएबल्स अभी आगे पढ़ेंगे। तो वैर लेट कॉन्स्ट इफ स्विच फॉर फंक्शन रिटर्न एंड ट्राई, ये यूनिक कीवर्ड्स हैं, इसको जावास्क्रिप्ट में आप ऐसे ही कहीं भी नहीं लिख सकते। ये हमेशा जावास्क्रिप्ट यू रिकग्नाइज करेगा कि आप कुछ स्पेशल कहना चाहते हैं, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं वो आगे पता चलेगा। ये वीडियो काफ़ी लंबी चल रही है तो जल्दी जल्दी कवर करते हैं यार। ये देखो लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड कीवर्ड्स। जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग कोडिंग प्रैक्टिस करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो आई विल कट इट शॉर्ट वेरी सून इनटू टू वीडियोस। वेरिएबल्स क्या होते हैं वो पहले सीख लेते हैं, जावास्क्रिप्ट सिंटैक्स सीखने के पहले। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग डेटा। जिस तरह अगर आप कभी कोई फॉर्म भर रहे होते हो तो उसमें क्या होता है, योर नेम, उसमें आप वैल्यू लिखते हो पंकज, फिर योर एज आप वैल्यू लिख दिए 26, राइट। तो वेरिएबल्स आर कंटेनर्स फॉर स्टोरिंग दिस डेटा। फॉर एग्जाम्पल वैर एक्स इक्वल टू 5, यहाँ पे एक्स इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स द डेटा 5। वैर वाई इक्वल टू 6, वाई इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स दिस इंटीजर डेटा 6। जेड इज अ वेरिएबल विच स्टोर्स द वैल्यू ऑफ दिस एडिशन एक्स प्लस वाई विच इज 5 प्लस 6 विच इज 11, ठीक है। ट्राई इट योरसेल्फ पे जाके आप इसको टेस्ट भी कर सकते हो, जेड की वैल्यू 11 आ गई। तो वेरिएबल्स को ऐसे डिक्लेयर करने के लिए, इनिशियलाइज करने के लिए तीन चीज़ें यूज़ होते हैं, चार चीज़ें लिखी हुई हैं। वैर लेट कॉन्स्ट एंड नथिंग, वैर देख लिया आपने, लेट से भी डिक्लेयर कर सकते हैं जैसे कि लेट एक्स इक्वल टू 5, लेट वाई इक्वल टू 6, सेम ही चीज़ है। अनडिक्लेयर्ड बिना वैर और लेट यूज़ किए भी कर सकते हैं, जैसे एक्स इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 6, आप ऐसे लिख दो कंप्यूटर समझ जाएगा। अब एक वेरी गुड क्वेश्चन कि वैर कब यूज़ करें, लेट कब यूज़ करें, कॉन्स्ट कब यूज़ करें या फिर एम्प्टी कब छोड़ें। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 1995 से 2015 तक वैर यूज़ होता था हमेशा। 2015 में इन लोगों ने सोचा कि लेट और कॉन्स्ट भी ऐड करते हैं। तो अगर आप पुराने ब्राउज़र्स 2015 के पुराने से भी पुराने कंप्यूटर्स पे चाहते हैं अपना कोड चले तो वैर से हमेशा डिक्लेयर करिए, ठीक है। कॉन्स्ट कब यूज़ करें, तो ये देखो लिखा हुआ है इफ़ यू वांट अ जनरल रूल ऑलवेज डिक्लेयर वेरिएबल्स विद कॉन्स्ट, हमेशा कॉन्स्ट यूज़ करने की कोशिश करो। बट कॉन्स्ट का मतलब होता है कॉन्स्टेंट, इसका मतलब वो वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर ऐसा है तो कॉन्स्ट यूज़ करना। अगर तुम्हें लगता है नहीं यार इसकी वैल्यू तो चेंज हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, प्राइस 1 ₹5, प्राइस 2 ₹6, लेट टोटल इज इक्वल टू प्राइस 1 प्लस प्राइस 2। अभी टोटल की वैल्यू है प्राइस 1 प्लस प्राइस 2 विच इज़ 5 प्लस 6 11। दो कमांड्स दो इंस्ट्रक्शंस के बाद लेट से टोटल की वैल्यू फिर लिख दिया, टोटल इक्वल टू प्राइस 1 प्लस प्राइस 2 प्लस प्राइस 3, तो टोटल की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इसको कॉन्स्टेंट की तरह नहीं लिखेंगे, इसको वेरिएबल की तरह लिखेंगे। लेट कॉन्स्ट मतलब ये वैल्यू हमेशा कॉन्स्टेंट रहनी चाहिए, लेट का मतलब उसको वेरिएबल रख सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक एलजेब्रा, तो ये वेरिएबल्स जो होते हैं, कंटेनर्स जो होते हैं, ये एलजेब्रा ऑपरेशंस, इसमें मैथ के सारे ऑपरेशंस चलते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई सब चलता है। जावास्क्रिप्ट्स मस्ट बी आइडेंटिफाइड विद यूनिक नेम्स, द यूनिक नेम्स आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर्स सच अ शॉर्ट इतने नंबर नेम्स कैन कंटेन। तो ये लिखा हुआ है कि जावास्क्रिप्ट के जो वेरिएबल्स के नाम हैं एक्स वाई जेड, इनको आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर के भी एक सेट फॉर्मेट होता है, कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, लेटर्स आप डाल सकते हो, डिजिट्स डाल सकते हो, अंडरस्कोर डाल सकते हो, डॉलर साइन डाल सकते हो, हमेशा लेटर से बिगिन करना चाहिए। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द राइट वेरिएबल, एक बार सारे पढ़ लेते हैं पहले।
लेटर्स हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकता है, डॉलर साइन हो सकता है. लेटर से हमेशा शुरू होना चाहिए. नेम कैन ऑल्सो बिगिन विद डॉलर एंड माइन अंडरस्कोर बट वी विल नॉट यूज दिस इन दिस ट्यूटोरियल. कह रहा है कि अंडरस्कोर और डॉलर से भी बिगिन हो सकता है बट अवॉइड करो. नेम्स आर केस सेंसिटिव. तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई डिफरेंट वेरिएबल्स हैं. रिजर्व्ड कीवर्ड्स कैन नॉट बी नेम यूज्ड एज नेम्स. रिजर्व्ड कीवर्ड्स क्या होते हैं जो स्टेटमेंट्स में देखा था सबसे नीचे, ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, इनको आप वेरिएबल की तरह नहीं स्टोर कर सकते. तो माई क्वेश्चन इज, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिख रहे हैं, आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि कौन से वैलिड वेरिएबल्स हैं बेस्ड ऑन दीज रूल्स एंड कौन से इनवैलिड वेरिएबल्स हैं बेस्ड ऑन दीज रूल्स. ठीक है, कहाँ गया ये रहा. ठीक है, तो एक है अंडरस्कोर नेम, ये एक वेरिएबल हो गया, एक वेरिएबल हो गया पंकज, एक वेरिएबल हो गया डॉलर एज, एक वेरिएबल हो गया वन टू थ्री, एक वेरिएबल हो गया फोर अंडरस्कोर पंकज, एक वेरिएबल हो गया पंकज नहीं, माय नेम इज पंकज, एंड फाइनली एक हो गया पंकज एंड 01. इनमें से कौन कौन से करेक्ट फॉर्मेट है वेरिएबल के और कौन कौन से इनकरेक्ट फॉर्मेट है वेरिएबल के, जल्दी से आप लोग सोचिए. और ये क्वेश्चन हम इस वीडियो के नीचे डाल देंगे, इसका आंसर भी दे दीजिएगा. ओके, दिस इज़ इट. यहाँ पे ये वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट एक और बनाएंगे जावास्क्रिप्ट के फर्दर एक्सप्लेनेशन का. ऑल राइट, गुड बाय एवरीवन, आई होप यू एन्जॉयड दिस वीडियो. जय हिंद.